वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् अस्ति स्वस्तरुणेकराग्र विगलत् कल्प प्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादनहरी निर्वाणन व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निवद्धने विविलशद गोपी सहस्त्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो तारं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ या मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरु परंपरा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में जय जय राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में जय जय राधा अपने चरणों में जय जय राधा वल्लभा मन रखियो अपने चरणों जय जय बांके बिहारी चरणन में जय जाके बिहारी मन रखियो अपने चरणन में मन रखियो अपने चरणन में मन रखियो अपने चरणन में तन रखियो श्री वृंदावन में तन तन रखियो श्री वृंदावन में तन रखियो श्री प्यारे विठ्ठल लाला
अपने हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण
करिए भाव से। जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, तन रखियो श्री वृंदावन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। प्यारे विठल लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। प्यारे बोलो
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब हरि भक्तन की, श्री पंडरीनाथ महाराज की, पंढरपुर धाम की, चंद्रभागा मैया की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की, जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की। परमंगल में प्रात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान शाकल्प तरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, उपस्थित समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा प्रतानी परिवार यजमान परिवार आए हुए सभी श्रोता भाई बंधु सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण, राम कृष्ण हरि। प्यारे श्री रुखुमाई विठोवा की परम कृपा से हम आप सब लोग चंद्रभावा नदी के पावन तट पर भू वैकुंठ पंढरपुर में अविराजित होकर के विगत 7 दिनों से भागवत भागीरथी का रसस्वादन पान कर रहे थे। आज जिसका विश्राम दिवस है, प्रतानी परिवार के सत्संकल्प से एवं आप सभी वैष्णव भक्त वृंदों के प्रेम से और श्री पंडरीनाथ महाराज की परम कृपा से, श्री विट्ठल भगवान की परम आज्ञा से यह भागवत की मंगलमयी कथा अपने विश्राम की ओर है। बहुत स्मृतियों के साथ हम आप सब लोग आज इस भाव को यहां विश्राम दे रहे हैं। कल रात्रि में एकादशी के उपरांत पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र की परिक्रमा हम आप सब लोगों ने की, खूब आनंद खूब सुख मिला। मानो ऐसा लग रहा था कि हम आप सब जब जब अपने कटी पर हाथ रखते हैं तो हम में ही विट्ठल आ जाते हैं, हम में ही आकर के वो हमसे ही लीला करवा रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। कोई अगर इस प्रकार खड़ा हो जाए तो हम लोग उसको उसके नाम से नहीं बुलाते, हम ये कहते हैं देखो कैसे कन्हैया खड़ा है। कोई ऐसे खड़ा हो जाए तो भी हम उसको उसके नाम से नहीं बुलाते, हम कहते हैं देखो गोवर्धन नाथ बन के खड़ा है। ठाकुर जी का एक रूप मात्र कोई धारण कर ले तो वो ठाकुर जी ही हमको उसमें दिखने लगते हैं। इसका मतलब ठाकुर जी दिख रहे हैं नहीं, ठाकुर जी ही हैं। जब कटी पर भुजा रखते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि श्री पंडरीनाथ भगवान ही हमारे सामने आनंद कर रहे हैं। कल हम आप सब लोग ऐसा नृत्य करते हुए आनंद करते हुए श्री पंढरपुर की परिक्रमा कर रहे थे। मन में भाव आ रहा था श्री पंडरीनाथ भगवान रुक्मणी मैया एवं पंढरपुर के समस्त निवासियों को बीच में विराजमान करके सबकी परिक्रमा प्रदक्षिणा कर रहे थे। सबसे मानो क्षमा याचना कर रहे, हम 7 दिन तक यहाँ रहे, हमसे कोई अपराध बना हो कोई भूल हो गई हो तो हे पंढरपुर धाम हमको क्षमा कीजिएगा। अद्भुत आनंद हुआ। रात्रि में परिक्रमा हुई, फिर हम पर ठाकुर जी की कृपा हुई और सुबह फिर 3:30 बजे
काकड़ा आरती भी करने गए शिपंद्रीनाथ भगवान की। उसका नाम है काकड़ा आरती। हमारे उत्तर भारत में सोचते हैं काकड़ा पता नहीं क्या होता है। हमारे साथ सब पंडित जी लोग गए, सब बोले काकड़ा आरती क्या है। मैंने कि अब यहाँ उत्थापन अभिषेक और मंगला आरती कोई काकड़ा आरती बोलते हैं, पर इतनी प्यारी आरती है श्री पंडितनाथ भगवान की काकड़ा आरती। ठाकुर जी कैसे उठते हैं, कैसे स्नान करते हैं। पर ब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम, मानो देख करके यही भाव आता है कि साक्षात पर ब्रह्म ऐसे ही उठते होंगे। ठाकुर जी का मुख प्रच्छालन किया जाता है, फिर मुख प्रच्छालन के बाद में ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाया जाता है। भोग के बाद फिर अभिषेक होता है, आरतियां होती, कितने बार तो आरती हो जाती ठाकुर जी की। उसके बाद सर्वांगीण अंग का अभिषेक, जनेऊ धारण करते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी भी जनेऊ पहनते हैं, ठाकुर जी भी संध्या वंदन करते हैं, ठाकुर जी भी नित्य नियम का पालन करते हैं। हम आप सब लोग देखो कैसे हैं, हम लोग नियम ही पालन नहीं करते। शास्त्र आज्ञा है बंधुओं कि एक नियम हर व्यक्ति को बनाना चाहिए और उसका पालन निश्चित करना चाहिए। ठाकुर जी रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे सोते होंगे, लेकिन उठ जाते हैं 3:30-4 बजे उठ ही जाते हैं। और उसके बाद अभिषेक आदि करके तैयार होके सुबह से ही, जैसे हम लोग नहा धो के तैयार हो जाते हैं पूरी दुनिया से मिलने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आज मैं सोच रहा था ठाकुर जी काय को इतनी जल्दी उठ के तैयार हो रहे हैं, केवल और केवल हम आप सबसे मिलने के लिए। उनका काम ही यही है केवल हमसे मिलना, इसी के लिए ठाकुर जी तैयार होते हैं। और उसके बाद सर्वांगीण अंग का अच्छा एक एक चीज का भाव सुनिएगा। आप में से कितने लोगों ने पंडरीनाथ भगवान के चरण स्पर्श किया, हाथ ऊपर करो। वाह भाई सब करे आए। एक चीज पूछे, चरणों में आपको एक चिन्ह दिखाई दिया जो आप दर्शन करने गए होंगे श्री पंडरीनाथ भगवान के बाम चरण में एक छिद्र जैसा है, क्यों है वो, क्या है? कानुपात्रा नाम की एक भक्त हुई, उसको अपने रूप का बड़ा अभिमान, कथा तो उसकी बहुत विस्तृत है, पर उसको लगता था कि मेरा रूप सर्व सुंदर है। जब वो पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए आई तो उसका रूप इतना सुंदर, इतना कोमल उसका अंग, ठाकुर जी को जब उसने प्रणाम किया तो उसके कोमल अंग के स्पर्श से ठाकुर जी के चरण में छिद्र हो गया। मानो ठाकुर जी उसको आज्ञा करके कह रहे हो कि तू अपने आप को कोमल मानती है, अपने आप को बहुत सुंदर मानती है, देख तेरे कोमल अंग के स्पर्श से मेरे चरण में छिद्र हो गया, मुझे भी पीड़ा हो गई। जैसे उसने चरण में सिर रख करके देखा तो ठाकुर जी को वो पीड़ा देख करके उसका जो मान था वो नष्ट हो गया। अरे मैं तो अपने आप को सुंदर मानती, अपने आप को अत्यंत कोमल मानती, पर मुझसे ज्यादा कोमल तो पंडरीनाथ है। दूसरा, अगर आप काकड़ा आरती, हाँ काकड़ा आरती में जाओगे सुबह मंगला आरती में, तो आपको दर्शन होगा ठाकुर जी के वक्ष पर भृगु चिन्ह, भृगु चरण चिन्ह ठाकुर जी के वक्ष पर है। एक मन में भाव आ रहा था कि मानव का स्वभाव कैसा है, अपने जीवन में आने वाले दोष, अपने जीवन में आने वाले छिद्रों को छुपाता है। पर श्री ठाकुर जी को देखा आपने, ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप मिलेंगे आपको, यहां तक कि आपके घर के लड्डू गोपाल भी होंगे, उनमें भी वक्ष पर चरण चिन्ह होगा। भृगु ऋषि ने भगवान का पेशेंस लेवल चेक करने के लिए ठाकुर जी के पाद प्रहार किया वक्ष पर। अब किसी के वक्ष पर पाद प्रहार अगर संसार में किया जाए तो एक प्रकार से यह हमारे लिए बड़ी अपमान की बात है। ओहो उसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रहार कर दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया। हम नहीं चाहते कि इस बात का खुलासा हो, सबको पता चले कि उसने मुझे मारा।
पर ठाकुर जी तो छाती में लिए घूमते हैं, देखो मुझे भृगु ऋषि ने मारा, मैं उनके भक्त के चरण चिन्ह अपने सदैव छाती पर रखता हूं, अपने किसी रूप में उसको छुपाते नहीं है, सब जगह उसको प्रकट करके रखते हैं। आज मानो ठाकुर जी को देख करके लगा कि ये तो बहुत बड़े पक्षपाती हैं। ठाकुर जी भी साइड लेते हैं, ठाकुर जी भी पक्ष लेते हैं, किसका? भक्तों का। पक्ष धारण करके मानो ठाकुर जी ये बता रहे हो मैं किसकी साइड हूं, बोले जिनके देखो चरण चिन्ह मेरे छाती पर है, मतलब भक्त वैष्णव उसकी साइड हूं। परब्रह्म होते हुए भी, परमात्मा होते हुए भी कभी भी ठाकुर जी ने अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को, लीलाओं को छुपाया नहीं है, प्रकट कर दिया। उससे कभी उदास, हताश या ठाकुर जी परेशान नहीं हुए। मानव हो जाता है, मानव को बहुत चिंता हो जाती है कि मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरी एक गरिमा है, मेरा ये भाव किसी को पता ना चले, मेरे घर में ऐसा हुआ ये किसी को ना हो, मेरे साथ जो हुआ वो छुपा रहे, कोई उसको बताए ना, उजागर ना करे, ये माननी वाला स्वभाव है हमारा, ठाकुर जी का नहीं है। जैसे मुकुट उतारा गया शिपंडीनाथ भगवान का, यहां शिव जी विराज रहे हैं, शंकर जी विराज रहे हैं भगवान के मस्तक पर। एक भक्त था, उसको शंकर जी में बड़ी निष्ठा, वो शंकर जी के अलावा किसी को देखता ही नहीं था, सुनार था। भगवान श्री पंडरीनाथ भगवान की कौंधनी बनवाई एक भक्त ने, तो सुनार ने कहा कि आप पंडरीनाथ भगवान की जिसकी कौंधनी बनानी उसका नाप ले आओ। भगवान का नाप लेकर के एक धागे से कमर का और ले जाकर के उसको दे दिया, बोले लो बना दो। लेकिन ठाकुर जी को जिस पर कृपा करनी होती है ठाकुर जी उसको कैसे भी खींच लेते हैं। उस सुनार ने बढ़िया कौंधनी बनाई, जो साइज था उसके अकॉर्डिंग दे दी। जैसे ही पहुंचे चार अंगुल कम हो गई, उसको जाके बोला ए भाई तुमने छोटी बनाई है, बोले तुमने जो मुझे नाप दिया उसके अनुसार बनाई है, बोले चार अंगुल छोटी, बोले लाओ बड़ी कर देता हूं। चार अंगुल बढ़ा दी, अब जाकर के जैसे पंडरीनाथ भगवान को धराई तो वो सात अंगुल बड़ी हो गई। जिन्होंने कौंधनी बनवाई वो जाके बोले भाई तुम नाप ढंग से बनाओ यार, ऐसे मत करो हमको नाप ठाकुर जी के लिए हमको। अच्छा ये बात भी थी कि वो खुलासा नहीं कर रहे थे कि पंडरीनाथ भगवान के लिए बनवानी है, क्यों? क्योंकि वो सुनार बड़ा अलग मिजाज का था, उसके सामने कोई विट्ठल विट्ठल भी बोलता तो वो चिल्लाता था, और मेरे इष्ट महादेव है उनके अलावा किसी का नाम नहीं सुनूंगा मैं। उन्होंने कहा तो एक काम करो, जिनकी कौंधनी बनवानी है उनके पास मुझे ले चलो। बोले चलो, बोले कहां लेके चलोगे, बोले पंडरीनाथ भगवान वो तो महाराज बैठ के, बोले तुमने पहले क्यों नहीं बताया उनकी कौंधनी बनानी, तुम्हें बनाता ही नहीं। अरे मैं तो केवल अपने महादेव का उपासक हूं, ये अन्य देवताओं को मैं नहीं पूछता। सेठ ने कहा भाई तुझको पैसा पूरा दे दिया है, अब व्यवस्था सब हो गई, अब तुमको ही बनाना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। आंख पर पट्टी बांध करके गया, मैं पंडरीनाथ को देखूंगा नहीं, मेरी एक ब्रह्म निष्ठा नष्ट हो जाएगी, मैं केवल महादेव का दर्शन करता हूं। ठाकुर जी कितने कृपालु, उस भक्त को अनुभव कराने के लिए कि मैं और शिव अलग नहीं है, ठाकुर जी ने जैसे उसने स्पर्श किया मुखमंडल का तभी देखता है चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। आज एक मन में भाव आ रहा था जब अभिषेक हो रहा था कि पूरे विश्व में ठाकुर जी के चरण अभिषेक शंकर जी अपने सिर पर धारण करते हैं। गंगा जी क्या है? गंगा जी ठाकुर जी का चरणोदरी तो है, चरणामृति तो है भगवान का, उसको महादेव सिर पर धारण करते हैं। एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर महादेव का अभिषेक होने के बाद ठाकुर जी के ऊपर आता है, एकमात्र पंढरपुर है ऐसा। नहीं तो हर जगह महादेव ठाकुर जी के चरणामृत से स्नान करते हैं, परंतु यहां पर महादेव शीश पर विराज रहे हैं, उनका अभिषेक होता है, उनका जल ठाकुर जी को आता है। केवल किसके लिए? उस सुनार के लिए। ठाकुर जी ने महादेव को विराजमान कर लिया कि उसकी एक निष्ठा नष्ट ना हो।
अपना कोई स्वरूप ही नहीं है ठाकुर जी का, अपना कोई श्रृंगार ही नहीं है, अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, बस मेरे और आपके लिए ठाकुर जी बैठे। हम आप सब भी यदि उन प्राचीन भक्तों के समान भाव वाले हो जाएं तो आज भी ठाकुर जी रूप बदल सकते हैं, हमारे भावानुसार ठाकुर जी आज भी श्रृंगार कर सकते हैं। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हम तो आज बार बार यही वंदन करके आए, नाथ जल्दी कृपा करो, साल दो साल में एक कथा हमारी पंडरपुर में करा दिया करो, दर्शन करने तो हम ऐसे ही आ जाएंगे, आसपास बंबई में भी हुए, पूना में भी हुए, पर एक आध बार के दर्शन में सुख नहीं। अब तो 7 दिन का अच्छा लगता है कि 7 दिन आए, यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पर खा रहे हैं, यहीं पर पड़े हैं, और यहीं पड़े पड़े कथा भी सुना रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, उसका सुख ही अलग है, उसका आनंद ही अलग है। कभी कृपा करेंगे श्री पंडरीनाथ भगवान तो जो आषाढ़ी एकादशी पर वारी आती हैं, बड़ी बड़ी वारियां आती हैं, जब तक प्राण है जीवन में उससे पहले पहले कभी एक बार वारी में भी जाएंगे, और अब पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं, वो तो 20-20 किलोमीटर गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर तो रोज चलते हैं, तब जाके महीना भर में पहुंचते हैं सब। पर ये कुछ भाव हैं, जैसे संसारी व्यक्ति के इच्छाएं होती हैं, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड एक बार तो देखना है, मुझे पेरिस घूम के आना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे वहां। भक्त के यही रहते हैं, बोले क्या एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करनी है, एक बार श्री पंडरीनाथ भगवान की वारी करनी है, एक बार श्रीनाथ जी में जाकर के जन्माष्टमी उत्सव मनाना है, अपने जीवन में एक एक बार ये अनुभव तो लेना ही है। महाराज ऐसा बताते हैं, जब वारियां निकलती हैं ना तो श्री आलंदी के जो शिखर पर कलश है, कलश हिलने लगते हैं, कलश झूमने लगते हैं वारी के स्वर सुन करके। मैंने शायद पहले दिन बताया ना, ठाकुर जी का दर्शन तो बहुत कम जो लोग लाइन में लगे वो लोग कर लेते हैं, पर लाखों लोग जो पंढरपुर आते हैं वो तो केवल कलश देख करके चले जाते हैं। क्यों? बोले आषाढ़ी के समय पर पंडरीनाथ भगवान ऊपर बैठे होते हैं, कलश पर ही बैठे होते हैं, वहीं बैठ करके सबको दर्शन दे रहे होते हैं। तो ऐसे साक्षात परब्रह्म स्वरूप हमारे भारत में तीर्थों की स्थापना आदि शंकराचार्य भगवान ने की, परंतु पंढरपुर की तो पूर्व से ही स्थापित है पंडरीनाथ। ये जो जिन स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं, ये पुंडलीक को दर्शन देने वाले आए ठाकुर जी जब ईंट पर खड़े हो गए, वही स्वरूप ठाकुर जी का मूर्तिमंत होकर के विराजमान हो गया। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को जब पता चला तो वो तो देखने आए कि कैसा स्थान है, कैसा तीर्थ है, ये पूर्व से ही विद्यमान है तीर्थ, इसलिए अद्भुत है। हमारे उत्तर भारत में इतना प्रचार नहीं है पंढरपुर का, उत्तर भारत के लोग ज्यादा जानते भी नहीं है, हमारे राजस्थान के भी लोग, मारवाड़ी लोग, हमारे उत्तर भारत के लोग, और ऊपर चले जाओ हरियाणा पंजाब, वहां के तो जानते ही नहीं है। उनको भी ये प्रचार करना पड़ेगा उनके बीच में कि भाई हमारे लाला यहां पे भी। हाँ, किसी को ये बोलो पंढरपुर जा रहे हैं तो नहीं समझता, उसको ये बोलो ऐसे खड़े हैं भगवान तो उसको थोड़ा बहुत कुछ अंदेशा, कभी देखी होगी फोटो, अच्छा वहां जा रहे हो। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में अपनी 7 दिन की वाणी की सेवा मुझे करने का अवसर मिला, मुझे बहुत सुख मिला। हम बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे परतानी परिवार का, हमारे सब परिवार के लोग, महेश जी, दिनेश जी, और मुझे सबके नाम तो नहीं पता, क्षमा, और आप यही भाव रखना कि इनको पता चले भी नहीं, नाम पता चले ये कोई जरूरी थोड़े, हमारा भाव पता चले ये जरूरी होना चाहिए। इन सबका अथक प्रयास सहयोग रहा, हमारे एक बार कहने पर पंडरपुर के लिए राजी हो गए, नहीं वहीं कराएंगे, जबकि आप लोग भी ऑल द वे दूसरी दिशा से आए हो, तांदूर कहाँ तेलंगाना, वहां से आप लोग सब यहाँ आकर के पूरी व्यवस्था करना, केवल इसलिए कि नहीं महाराज जी को सुख मिलेगा तो वहीं कराएंगे कथा,
और सबको लेकर के यहाँ आए, इतने परिवार के सब जन, सब व्यवस्था, सबके लिए भोजन प्रसाद, सबके लिए उत्तम व्यवस्था का आपने विधान किया, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपका जन्म बहुत लोगों के लिए हुआ होगा, किसी के लिए धन अर्जित करने के लिए आपका आपको पृथ्वी पर भेजा, किसी के प्रेम के अधिकार के लिए आपको पृथ्वी पर भेजा, किसी के पिता पुत्र पति या भाई बनने के लिए भेजा, लेकिन आपके अवतार और आपके अवतरण, अवतरण ही बोलेंगे, जो भक्त इतने भक्तों को लेके आ जाए ठाकुर जी के चरण में, वो अवतार ही है उसका। पर आपका मुख्य मूल उद्देश्य, ठाकुर जी ने आपको पृथ्वी पर इसीलिए भेजा कि इतने वैष्णवों को और हम ब्रजवासियों को लेके आप पंढरपुर आ सको और 7 दिन रह सको। बाकी के सारे आपके जन्म लेने के कारण छोटे हो गए, ये सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा है। इसी के लिए ही ठाकुर जी ने आपको योग्य बनाया, इसी के लिए ठाकुर जी ने आपको बुद्धिमान, विवेक और जो भी कुछ गुण दिए, इसीलिए दिए कि एक दिन ऐसे स्थान पर पंढरपुर, जिसको अधिकतर लोग जानते भी नहीं, वहां सबको ले जाकर के भगवत भागवती कथा हो। इसी के लिए ही ठाकुर जी ने आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। हम सबका कोई ना कोई उद्देश्य है, हम लोग खाली खाली नहीं आए हैं पृथ्वी पर, खाने पीने हंसने बैठने ये सब काम करने के लिए अगर आए तो जानवरों ने भी यही काम करना है पृथ्वी पर आकर के, खाना है पीना है, ऊपर वो सब कुछ करते हुए मर जाना है। अगर यही सब करते हुए हम लोग भी पृथ्वी पर आए तो हम में और जानवरों में अंतर क्या? पर हम कुछ परिवर्तन करके जाएं, हम जाएं तो सबको कुछ निधि दे करके जाएं, तो समझ जाओ कि हाँ, हमारे जन्म का, जन्म लेना हमारा सार्थक हो गया। अब जब तक हम सबके तन में प्राण है, ये स्मृति कभी जाने वाली नहीं है कि पंढरपुर में कथा हुई थी, क्या आनंद हुआ था, क्या उद्यम हुए थे। कल रात्रि परिक्रमा लगा के तो मुझको ऐसे लगा, अच्छा जब वो पूरी हो गई, मैंने कहा हैं हो गई पूरी, मैं उनको बोला, मैंने कि हो गई, बोले हाँ, मैंने कि यार पहले बता दे तुम, रोज ही लगा देते, मुझे तो ये था कि बहुत बड़ी होगी, थक जाएंगे तो कहाँ से करेंगे। हमें पता होता कि इतनी छोटी सी परिक्रमा है तो भाई रोज नाच नाच करके, पुगड़ी लगा लगा करके, उछल उछल करके क्या उधम मचा रहे सब पंडित जी लोग, सब लोग कभी वारकरियों के साथ। ये जो उत्सव यहाँ आप लोग कर रहे थे सुबह के, वो उत्सव हम परिक्रमा में ही करते, फूलों की होली परिक्रमा में खेलते हुए करते परिक्रमा, कभी नाचते हुए करते, कभी कीर्तन करते हुए करते, कहीं बैठ जाते वहीं पर बैठ करके ही रंग जम रहा है, अलग आनंद आता। पर कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने कल हमको परिक्रमा करा करके अगली कथा के लिए कह दिया है, चलो अगली कथा जब भी हो, जो भी पंढरपुर लेके आए हमको, जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी जो भी हमको लेके आए, भाई पहले दिन से ही रोज परिक्रमा लगेगी, पता ही नहीं चलता कब पूरी हो जाती है। हमारी गिरिराज जी की भैया कितने किलोमीटर और रह गई, जे बस आ गई, जो ये कहता है ये बस आ गई, उसके बाद 4 घंटे और लगते हैं और जैसे ही महाराज पूरी होने वाली होती है, हे गिरिराज बाबा जय हो, बस बस नेक जल गैसू करवाओ, महाराज छाले पड़ गए पांव में, चला नहीं जा रहा है। जिसको नृत्य करना नहीं आता वो भी नृत्य करता सा दिखाई देता गिरिराज जी की परिक्रमा में अद्भुत आनंद हमारे ब्रजमंडल का। वृंदावन की भी नहीं है इतनी छोटी, तो वृंदावन की भी 11 किलोमीटर की परिक्रमा है। महाराज हमसे पूछो, हम तो दंडवती और लगाए गिरिराज जी की, 6 महीना में पूरी भाई लगे तो 15 दिन, पर 10 दिन एक बार, फिर उसके 6 महीना बाद 5 दिन और लगाई, तब जाके पूरी भाई। यहाँ की तो दंडवती लग जाएगी मुझको लगता है, दो चार घंटा में, तो आधा घंटा में तो परिक्रमा ही लग गई थी। अच्छा इसमें भी ये भाव आया, किसी पंडितनाथ भगवान बोले कि भाई वारी करके वैसे इतनी दूर दूर से आते हैं, परिक्रमा और बड़ी कर दो तो थक जाएंगे, छोटी सी रखो। सब में हमारे सुख का भाव रखा। और भैया एक बात है, पूरे विश्व भर के ठाकुर सबके ठाकुर हैं, नेताओं के ठाकुर हैं, करोड़पतियों के ठाकुर हैं, सेठों के ठाकुर हैं, साहूकारों के ठाकुर हैं, पर ये तो दीनों के ठाकुर हैं, भक्तों के ठाकुर हैं। बिल्कुल भी कोई बंधन ही नहीं है कि मुझे ये छुए, या आपसे पहले
वो व्यक्ति भी छू करके जाता है ठाकुर जी को, जिसके हाथ से कई लोग पानी पीना भी बाहर आकर के उसका पूछेंगे, तुम कौन हो, तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पियेंगे नहीं तो हम, उसको भी अधिकार है। वही अधिकार जो एक ब्राह्मण कुल जातीय व्यक्ति का है। लोग कहते हैं भगवान ने वर्णाश्रम क्यों बनाया, आके देखिए पंढरपुर में, कोई वर्ण नहीं है यहां पर, यहां सबको अधिकार है ठाकुर जी के समीप जाने का। उनको अभी पता है आपको, पहले तो पंडरीनाथ भगवान को ऐसे नीचे ऊपर थोड़ा ऊंचा सा चढ़ के ऐसे गले लगाने का अधिकार था, फिर अब हम लोग तो बहुत ही ऊधमी है ना, इसलिए ये नियम कर दिया कि केवल चरण छुओ, नहीं तो पहले तो ये नियम था हर भक्त को श्री पंडरीनाथ भगवान को हृदय से लगाने का अधिकार, सब हृदय से लगाओ फिर जाओ। आकर के देखिए पंढरपुर में कहां है वर्णाश्रम, कहां है जातिवाद, ठाकुर जी नहीं करते, ये सब मानवों ने किया है। जगन्नाथपुरी में जाकर के देखिए, स्कंद पुराण में लिखा है यदि आप जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद पा रहे हैं और उस समय आपके महाप्रसाद के पत्तल में यदि कोई और आकर के पाले तो आप उसको पूछ नहीं सकते कि तुम क्यों पा रहे हो, उसको आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके महाप्रसाद का अपराध आपको लगेगा। मान लीजिए आप खा रहे हो और आपकी थाली आपकी पत्तल में से केले के पत्ते में पाते हैं, अगर मैं आकर के सामने बैठ के खाने लग जाऊं अपरिचित व्यक्ति, तो आप मुझे संशयात्मक दृष्टि से भी नहीं देख सकते, मुझे पूछ भी नहीं सकते क्यों खा रहे हो भाई, हमारा है हमको खाने दो, नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो महाप्रसाद का सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, ऊपर से पाप और लगेगा। ये नियम है, स्कंद पुराण में लिखा है। और केवल मानव नहीं, स्कंद पुराण में तो ये भी लिखा है कि आप महाप्रसाद पा रहे हैं और कोई अगर बिल्ली कोई अगर कुकर आकर के आपके महाप्रसाद में अगर जीव लगा के चाट जाए तो आप उसको भी नहीं हटा सकते। लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसे ऐसे वो छुआछूत कर रखी है, ये कर दिया वो, ये सब ठाकुर जी ने नहीं किया, ये हमने किया। आपको पता है जैसे पंढरपुर में अंदर प्रवेश का अधिकार है, ऐसे प्राचीन भारत में हर मंदिर में ठाकुर जी के अंदर प्रवेश का अधिकार था, सबको जाकर के ठाकुर जी को स्पर्श करने का अधिकार था, पर कुछ पंथ के लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और वे ले जाकर के दूषित वस्तु अपने पास रख के ले जाते थे और गर्भगृह में जाकर के वहां फैला देते थे। समझ रहे हैं बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ अन्य पंथ के लोग, कुछ अन्य भाव वाले लोग जिनको ये सब प्रिय नहीं है, मुगल आक्रांताओं के बाद में मुगलों ने तो विद्रोह इनको भी नष्ट कर दें, रूप बदल बदल करके दर्शनार्थी बन के आते थे और मंदिर में जाके उपद्रव करते थे, इसलिए अपरस कर दिया, इसलिए मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया। लेकिन वो प्राचीन भारत की परंपरा आज भी पंढरपुर में बची है। मैंने जगन्नाथ जी का स्पर्श किया है, जगन्नाथ जी में भी नियम था आज से 10 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले हर व्यक्ति भीतर जाकर के जगन्नाथ जी को हृदय से लगाता था। फिर हमारे पूरी शंकराचार्य महाराज जी की आज्ञा हुई कि भाई लोग मनचले बहुत होते हैं, इतनी भीड़ आती है, अब सबको हम ढूंढ तो रहे नहीं कौन कैसा है, कहीं कोई कल को गलत करे अंदर जाकर के उसके हम प्रतीक्षा क्यों करें, इसलिए उन्होंने फिर वो बंद कर दिया। और दूसरी बात, श्री जगन्नाथपुरी का जो गर्भगृह है ना, पूरा शालिग्राम है वहां पर, पृथ्वी पर भी शालिग्राम है, पूरे सब शालिग्राम शिलाएं हैं नीचे, तो शालिग्राम जी पर चरण रखने पर अपराध होता है, तो वो केवल अर्चकों को अधिकार है अंदर जाने का, बाकी सबके लिए निषेध कर दिया कुछ वर्षों पहले, नहीं तो जगन्नाथ जी को मैंने भी स्पर्श किया। ठाकुर जी तो कभी नहीं चाहते कि आपसे दूर रहें, वो तो सदा आपके होना चाहते। इसलिए भैया पंढरपुर साल में एक बार जरूर आइएगा, आज से ये संकल्प करके जाओ, कथा हो नहीं हो पता नहीं कब हो, पर आप सब संकल्पित होके जाओ, साल में एक दिन निकाल करके पंढरपुर जरूर आइएगा। ठाकुर जी ने इस सौभाग्य हमको 7 दिन का प्रदान किया, इसका ऋण हम पर चढ़ा है, वो जीवन भर चुकाइएगा। ठाकुर जी को आके साल में एक बार प्रणाम करना, हे नाथ हे दीनाचनाथ, आपकी कृपा से हम पंढरपुर आए, आपने बहुत अनुग्रह किया। तो इस प्रकार भाव हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, वैसे तो रोज ही आते थे, मैं भूल जाता था बताना, आज अंतिम दिन है। किसी का भाव है निधिवन के बारे में बताइए,
श्री निधिवन वृंदावन पूरा ही वन है, पर वृंदावन में सप्त निधि हैं जिनको हम रोज गाते हैं, गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, युगल किशोर और कौन है सातवें, जोर से बोलो, बांके बिहारी। ये सात निधि हैं। सप्तम निधि जो हैं, यानी कि श्री बांके बिहारी लाल, ये कहां प्रकट हुए? ये निधि वन में प्रकट हुए। तो जिस वन ने वृंदावन को ऐसी सुंदर निधि प्रदान की ठाकुर जी की, इसीलिए उस वन का नाम निधिवन पड़ा। तो निधिवन जहां से श्री बिहारी जी प्रकट हुए। बंधुओं, श्री निधिवन में हित अपने स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराजते थे और वहां विराज करके भजन करते थे। अभी आप लोगों को इसका विस्तार सुनना हो तो 20 तारीख से हमारी कथा सुनिएगा। 20 से 26 अगस्त भक्तमाल कथा प्रथम पहली बार हम करने जा रहे हैं श्री जयपुर में। जयपुर में ही भक्तमाल जी लिखी गई हैं, वहीं गलता जी हैं स्थान, वहीं पर भक्तमाल जी की रचना हुई। और जिस स्थान पर हमारी कथा हो रही है, सरस कुंज, सरस कुंज का ही उत्सव है। सरस माधुरी जी के पद में गाता हूं कभी कभी कथा में। बड़ी पुरानी आचार्य परंपरा का स्थान है जिसके निमित्त ये कथा हो रही है। तो वहां पर हम तीन रसिक जनों की चर्चा करेंगे, स्वामी श्री हरिदास, हितरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास। तो उसमें और विस्तार से मैं बताऊंगा, पर मैं थोड़ा सूक्ष्म में बताऊं। निधिवन में स्वामी श्री हरिदास जी विराजते थे और वहां वे श्यामा श्याम की नित्य लीला विहार का चिंतन किया करते थे, मानसी में दर्शन किया करते थे। उनके शिष्य जो थे श्री विठल विपुल देव जी, उनके मन में एक बार भाव आया कि गुरुवर, आप नित्य ही एक कुंज का दर्शन करते हैं, कुंज को प्रणाम करते हैं, इस कुंज में क्या, कुंज किसको कहते हैं, लता पत्रों से ढकी हुई, इस प्रकार लता पत्र जब एक छत्र जैसी बना लें तो उसको कुंज कहते हैं। जैसे अब ये कपड़े का एक कुंज बना है, ये पंडाल जो है ये क्या है, कपड़े का कुंज है, इसी की जगह लता पत्रों से ये ऐसे बन जाए, छांव बन जाए, तो ये कुंज कहलाएगी। वृंदावन में ऐसी अनेक कुंज हैं। तो एक खाली कुंज थी, स्वामी श्री हरदास जी उसका दर्शन करते थे और उसको प्रणाम करते थे। तब उनके शिष्य श्री विठल विपुल देव जी का भाव हुआ, उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप नित्य कुंज को प्रणाम करते हैं, यहाँ कौन है? बोले, आप जाओ कुंज को प्रणाम करो और कुंज को प्रणाम करके जो दिखे उनसे प्रसाद मांग करके लाना। भीतर जाकर के उन्होंने कुंज को प्रणाम किया, प्रणाम करके जैसे ही देखा तो श्यामा श्याम, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों अलग अलग एक ही सिंहासन पर एक दूसरे के साथ रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तब भुजा आगे करके, पहले तो बहुत देर तक दर्शन किया, तब उन्होंने कहा, गुरुदेव ने आज्ञा की कि प्रसाद लेकर के आना। तब हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक रूप हो गए, तभी उस कुंज में प्रकट हो गए श्री वृंदावन बिहारी लाल, जिनका आज पूरा विश्व दर्शन करता है। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक भय, एक रूप प्रकट हो गया। ललिता विशाखा सखियों ने वही रूप श्री विठल विपुल देव जी को प्रदान किया, उनको लेकर के वे बाहर आए। उस दिन बिहार पंचमी थी, जिसको विवाह पंचमी भी कहते हैं, जिस दिन राम जी और सीता जी का विवाह हुआ, अधिकतर सर्दी के महीने में आता है वो समय। और उस दिन निधिवन राज में श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए। बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की, हरि को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी गाओ, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। अब वृंदावन जाने की तैयारी है, तो अब पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करें और इन्हीं में ही बिहारी जी का दर्शन करें, तभी यहां से जा पाएंगे। बाप से बिहारी जी को प्रणाम करो, मोर मुकुट माथे
तिलक विराजे कुंडल अलका कारी को कुंडल अलका को कुंडल अलका कारी को कुंडल अलका भाव से ओ हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को अधर मधुर धर मुरली बजावे अधर मधुर स्वर मुरली बजावे रीझे रिझावे राधा प्यारी को रीझे रिझावे श्यामा प्यारी को रीझे रिझावे श्यामा प्यारी को हे हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को यह छवि देख मगन भई मीरा छवि देख मगन भई मीरा यह छवि देख मगन भई मीरा छवि देख मगन भई मीरा हे मगन भई मीरा भई मीरा छवि देख मगन भई मीरा गोविंद गिरिवर धारी को गोविंद गिरिवर धारी को गोविंद गिरिवर धारी को गोविंद गिरिवर धारी को बांके बिहारी को बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वाओ, ये लैंप कहाँ से लिया? फ्रॉम द एंडमैन्स, प्राइवेट जेट से कार्गो करवाया। रियली? तो ये है हमारा निधिवन, जहां पर श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए, और प्रकट होने के कुछ वर्ष बाद फिर ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए, जहां आज सब लोग दर्शन करते हैं। पर मूल बिहारी जी कहां प्रकट हुए? निधिवन में। और ऐसा कहते हैं कि निधिवन में आज भी राज बिहार होता है, हम ऐसा कह रहे हैं निधिवन में नहीं होता है, पूरे वृंदावन में होता है, आज भी राज बिहार होता है। देखने के लिए दृष्टि चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए। अगर आपके पास दृष्टि है, दृष्टि है का मतलब रसिक जनों की कृपा, संत जनों की कृपा और वृंदावन की कृपा और श्यामा जी की कृपा यदि आपके ऊपर है, तो आपकी दृष्टि में आज भी आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में आपको राज बिहार का दर्शन होगा। ऐसा निधिवन राज, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरा किसी का प्रश्न आया है, सभी नाम लेने का मन कर रहा है, कौन सा जो एक कैसे फिक्स करें?
ये इनका प्रश्न ये है कि इनको सारे नाम बढ़िया लग रहे हैं। आप जिस भूमि पर बैठे हो पंडरपुर, यहां पे भी तो सारे नाम है, राम कृष्ण हरि, त्रेता द्वापर और सतयुग, तीनों युग हैं। और गाय कब जा रहे हैं? बोले कलयुग में। तीनों ठाकुरों को यहां स्मरण किया गया। लोग कहते हैं कि महाराज जी हम कृष्ण कृष्ण जपते हैं पर कभी कभी राम राम याद आ जाता है तो मन में लगता है अपराध तो नहीं हो रहा। अरे क्यों होगा अपराध? आप महामंत्र गाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहां पर भी तो राम कृष्ण दोनों के नाम है। राम कृष्ण और नारायण ये तीनों अलग नहीं है, एक ही है, बस युग में अलग अलग अवतार हुए हैं। इनके विलग जो जो नाम है उनको आप ले सकते हो पर निष्ठा किसी एक में ही रखो। समझ में आई बात? महादेव का भी उच्चारण करो, हनुमान जी का भी उच्चारण करो, देवी का भी उच्चारण करो, जितनी देवी देवता है सबका उच्चारण करो पर निष्ठा केवल एक में रखो। निष्ठा किसी एक में रखनी पड़ेगी। अब वो निष्ठा कैसे बनेगी? सत्संग की कृपा से बनेगी। सत्संग किया करो, खूब भगवत नाम, खूब वैष्णव जनों की चर्चाएं सुनो, उनकी कथाएं सुनो, उनके वार्ताएं सुनो। धीरे 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 अपने आप मन में आ जाएगा कि आपका उद्धार कारक नाम कौन सा है, फिर उसी का आश्रय लेकर के रहो। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नामों को छोड़ो, बाकियों को भजो पर निष्ठा केवल एक में रखो। सबकी माताएं पूजनीय है पर अपनी माँ जन्मदात्री माँ तो विशेष है ना। ठीक वैसे ही सबकी माँ को वंदन करो, सबकी माताओं को प्रणाम करो पर अपनी जन्मदात्री माँ को तो विशेष अधिकार देना पड़ेगा ना। ऐसे ही सभी देवी देवताओं के नामों को प्रणाम करो, सबका नाम बोलो। कभी महाकाल जाने का अवसर मिले जरूर जाओ, वैष्णो देवी जाने का अवसर मिले जरूर जाओ, दक्षिण में कार्तिकेय भगवान का अवसर मिले दर्शन का अय्यप्पा स्वामी जरूर जाओ पर अपनी निष्ठा एक जगह रखो। और वो निष्ठा हम तो ऐसा कहेंगे कि परब्रह्म नारायण के ही रूपों में होना चाहिए। उसके अतिरिक्त यदि आपकी निष्ठा कहीं और है, हनुमान जी में पर निष्ठा है, अब देखो हनुमान जी में पूर्ण रूप में निष्ठा होना उसमें कोई वो नहीं, बहुत आनंद की बात है। पर हनुमान जी भी तो निष्ठा राम जी में रखते हैं, देवी भी तो ठाकुर जी के पराधीन है। इसलिए ठाकुर जी के परब्रह्म रूप में अपनी निष्ठा रखो, बाकी सबसे प्रेम रखो। और ये अलग अलग नाम मन में आ रहे हैं, अब कौन कौन से नाम आ रहे हैं ये तो इसमें लिखा नहीं है आपने, वो लिखते तो फिर हम और थोड़ा क्लियर हो जाते कि कौन कौन से नाम आ रहे हैं। वो ठाकुर जी के ही अवतारों के नाम आ रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अब आजकल भगवान भी तो बहुत सारे हो गए। जब आप लोग पंडरपुर मंदिर में जाएंगे तो काष्ठ मंडप जो है पीछे वाला सभा मंडप जो है वहां पे 33 कोटि देवताओं का एक बना हुआ है, वहां पे बहुत सारे देवता हैं। आज हमने वहां दर्शन किए, कई सारे देवता थे वहां पे। अब कई देवता ऐसे हैं वो देवता नहीं है, वो केवल संत हैं पर हमने उनको देवता मान लिया। अगर संत को देवत्व मान करके भजोगे पीड़ा संत को ही होगी, उनको संत मान करके ही भजो। तो ये विवेक कथा सुन सुन करके आपके अंदर आएगा कि परब्रह्म के स्वरूप कौन कौन से हैं। मूल रूप से राम और कृष्ण यही परब्रह्म हैं, इन्हीं के ही आश्रित रहो। तो ये कुछ प्रश्न थे।